हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पिट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 24 अगस्त 2021 को पूछा गया था, यानी क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, उसे पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर को और भी हम किस नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है। ऑप्शन आपके पास 100%, 75%, 80% या 7%। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, वो हो जाता है 75%, यानी 18 कैरेट सोने में जो खरे सोने का प्रतिशत होता है वो 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतरे में बहुतायत में क्या होता है, यानी कौन सी विटामिन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इनमें से कोई नहीं, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संतरे में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ आपको करना क्या है, 7 से पहले इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 9, यानी 9/7 भी दोनों तरफ स्क्वायर करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। मैं इस वीडियो में आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैथ टाइम टेकन होता है, वो हम बाद में करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। हवाई जहाज की गति की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली दूरी या एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष से नापते हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर ये आपका मैथ का क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या करेंगे आप, √5 - √3 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप ही सॉल्व करेंगे। फिर कह रहा है कि दर्भ का पर्यायवाची कौन सा है, यानी इनमें से दर्भ का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, स्वाभिमान, अहंकार, व्यथा या तिरस्कार। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दर्भ का पर्यायवाची होता है अहंकार, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, मदमयी, मनोहर, मदमस्त या मर्मांतक। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि मन को हरने वाले को कहते हैं मनोहर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, कम बोलना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना या दोहों की रचना करना। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गागर में सागर भरना मतलब होता है थोड़े में बहुत करना, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाए, कमेंट करके बताते भी रहिए। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि महत्व प्लस आकांक्षा मिलकर बनता है महत्वाकांक्षा, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि एकल का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, अकेला, पर्याप्त, उपर्युक्त या बहुत। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है, एकल का जो विलोम शब्द है वो है बहुत, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 15 से लेकर 17 तक ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, और 15 से लेकर 17 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, इस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो देखते हैं, इसे कह रहा है कि पंडित नेहरू इंजॉयड, मैंने पंडित नेहरू जो थे वो क्या इंजॉय करते, तो यहाँ लिखा हुआ ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। तो यहाँ आपका कौन सा सही हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो पंडित नेहरू के अकॉर्डिंग जो था, उन्होंने कहा था कि साइंस और ह्यूमनिज्म दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, यानी मैनी साइडेड पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है, अ कैपेबल पर्सन, अ सेक्रेटिव पर्सनैलिटी, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट या कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कई सारे इंटरेस्ट हो, तो उसे कहते हैं मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि आपको एटोनिम बताना है ट्रांसपेरेंट का, क्लियर, लिम्पिड, ओबिक या ओबियस, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का जो एटोनिम होता है, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सिनोनिम आपको बताना है फेमस का, तो फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध,
स्टडी, पुअर, पॉपुलर या ऑफुल, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि फेमस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा पॉपुलर, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, यानी पक्षी विज्ञानी को पक्षी कहते हैं तो नृ विज्ञानी को क्या कहेंगे, तो नृ विज्ञानी हो जाएगा नृ, नृ मतलब होता है मानव, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या दिया हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसे आप ही सॉल्व करेंगे, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो मैं उनकी माँ का, यानी रीता की माँ का पुत्र, रीता का भाई, रीता के भाई का पुत्र कौन है, निखिल है, तो निखिल की रीता क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रीजनिंग का है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। फिर कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, पनीर, मक्खन, तेल, दही, तो इनमें से आप देखेंगे कि जो सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के बिहार पे सही हो जाएगा। तेल क्या है, इन तीनों से डिफरेंट है, इसके अलावा पनीर, मक्खन और दही ये तीनों क्या है, दही दूध के प्रोडक्ट है, दूध से बनते हैं, लेकिन तेल दूध से नहीं बनता, इसलिए सी आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन सी भारतीय दूर संचार कंपनी विश्व की पांचवी सबसे मजबूत ब्रांड है, वोडाफोन, भारतीय एयरटेल, आइडिया या रिलायंस जियो, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो रिलायंस जियो है भारतीय दूर संचार कंपनी विश्व की पांचवी सबसे मजबूत ब्रांड है, सबसे मजबूत ब्रांड है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बोल्ड जिसका मतलब होता है बंबू ऑसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल में ही भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार या राजस्थान, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो बोल्ड परियोजना है वो राजस्थान में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड 19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, सूडान, नाइजीरिया, अफ्रीका या घाना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, पटना, रांची, चेन्नई या अगरतला, तो इसमें से राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि पटना में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। फिर कह रहा है कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, पवन कुमार, सुमित मलिक, रविंदर सिंह या योगेश्वर दत्त, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सुमित मलिक। फिर आपसे कह रहा है कि भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। फिर कह रहा है कि इस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। फिर कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, कल्पना चावला, श्रेया बादला, ऋतु कारीधाल या सिरिसा बांदला, तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो है सिरिसा बांदला। फिर आपसे कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित पोर्टल, जो स्पेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल बनाया गया है वो भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, इनमें से कोई नहीं, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के लिए। फिर कह रहा है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 2, 4, 3 या 5, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, यानी 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, ढाका, सान जोस, दिल्ली या बीजिंग, तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। फिर कह रहा है कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, शिखर धवन को, MS धोनी को, ईशांत शर्मा को या विराट कोहली को, यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन, विराट कोहली को, यानी वीवो जो फोन है आपका स्मार्टफोन निर्माता वीवो, उसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, 552, 540, 550 या 530, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। फिर कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अक्टूबर 3 यानी 1 अक्टूबर, 2 नवम्बर, 14 सितंबर, तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या नेपाल,
यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो म्यांमार देश है वो सार्क का सदस्य नहीं है। फिर कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, सिंहला, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या तमिल। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, मलयालम। यानी जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है वहां की जो भाषा है वो मलयालम है, आधिकारिक भाषा। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि ओणम किस भारतीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का या असम का। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो, बी हो जाएगा कि जो ओणम है वो केरल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, बुध, चंद्रमा, मंगल या पृथ्वी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, इस वजह से इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। फिर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थी, मदर टेरेसा, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सीवी रमन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है, लखनऊ, दिल्ली, औरंगाबाद या बेंगलुरु। यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपको एक पैसेज दिया हुआ है और फिर उसके बिहा पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें कह रहा है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, परिश्रम और ज्ञान, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता या हिंसा और भय। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अहिंसा और प्रेम। फिर कह रहा है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, भय द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा या सत्य पालन द्वारा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अहिंसा द्वारा। फिर कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, धन और वैभव। होते हैं ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र के जो स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं वो है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। फिर कह रहा है कि नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है, निम्न, बिल्कुल, विधवत या भली भांति। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, बिल्कुल। फिर कह रहा है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए, उत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए या मानव जाति के विकास के लिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, विश्व में शांति आवश्यक है मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिर आपको पैसेज दिए हुए हैं और पैसेज के बिहार आपको क्या करना है, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है किससे। यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियां, विज्ञान की जीवन में घनिष्ठता या यातायात एवं संचार साधनों का विकास। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। फिर कह रहा है कि हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह या अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा कि पास में रखे आंवले की तरह, हस्तामलक का मतलब होता है। फिर कह रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन या परंपरागत चिंतन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। फिर कह रहा है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, प्रगति और पाणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है या विद्युत शक्ति का स्वामी है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ जो आपका ई ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्योंकि इसके बल से मनुष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से, जस्ट अ मिनट, बीच के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे इस वजह से मैंने उनको हटा दिए। इसमें कह रहा है कि कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो संत तुकाराम थे वो संत शिवाजी के समकालीन थे। फिर कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। फिर कह रहा है कि चरक संहिता संबंधित है, यानी चरक संहिता जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है, गणित से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या राजनीति से। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो चरक संहिता पुस्तक है वो आपकी चिकित्सा से रिलेटेड है। फिर कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का
काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो बताइए इसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इल्तुतमिश आए, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, फिर शेरशाह सूरी आए, फिर अकबर आए, यानी चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है? सुनील नाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं आपके दादा भाई नौरोजी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? तिलक और अरविंद घोष, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिनचंद्र पाल या एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सन 1915 से 16 में एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी इधर सन दिया हुआ है, इधर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी इसमें से गलत हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, ये गलत है, यानी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी। यहाँ आपका ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या सरदार पटेल ने? तो राइट ऑप्शन कौन सा है? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। फिर इधर आपका एक स्थापना दिया हुआ है आर्य समाज, यानी जो डिफरेंट टाइप के स्थापना हुए समाज स्थापना, और इधर उनके स्थापक का नाम दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ब्रह्म सही मिलान करना है आपको। तो इसमें कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा राव फुले ने की। तो इस तरह आपका सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने, और सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा राव फुले ने। तो सही क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 5। 3, 1, 2, 5 किसमें दिया हुआ है? तीसरे में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? व्यास पे, रावी पे, चिनाब पे या झेलम पे? तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो सलालपन बिजली परियोजना है वो आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। फिर कह रहा है कि बसंत ऋतु होता है 22 दिसंबर को, 18 जून को, 23 सितंबर को या 21 मार्च को? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, 21 मार्च को। फिर कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम, इस्पात, तांबा या जस्ता? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जेबी कृपलानी को, पट्टाभी सीतारमैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर कह रहा है कि कौन सी हिमालयी नदियां तंत्रिकी नदियां हैं, यानी हिमालयी नदी तंत्रिकी नदियां कौन सी हैं? कावेरी, ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या हिमालयी नदी तंत्रिकी नदियां हैं? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बैंक दर का अर्थ क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थानों के लाभ की दर या साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर? तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। फिर कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में, असम में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में? यहाँ आपका राइट ऑप्शन है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। फिर आपसे कह रहे हैं कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियां का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? वैश्विक, समाजवादी, मिश्रित या पूंजीवादी? यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये जो प्रॉपर्टी होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। फिर कह रहा है कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है, यानी जो 100 रुपए के नोट में हस्तांतर होते हैं किसके होते हैं सिग्नेचर? वित्त सचिव के, भारत के राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के या आरबीआई गवर्नर के? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 रुपए के नोट में जो सिग्नेचर होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं।
फिर आपसे कह रहा है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, इनमें से कोई नहीं, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है, इनमें से कोई नहीं, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या राज्य सूची में। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची में शामिल है। फिर कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, इनमें से कोई नहीं, मौलिक कर्तव्य, राजनिदेशक तत्व, मूल अधिकार। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजनीति के निदेशक तत्व में भारत में पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी फेमा जो है उसका आपको फुल फॉर्म बताना है, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन या फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि फोमा का जो सॉरी फेमा का जो फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिर आपसे कह रहा है कि किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यानी किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, पी एन राव ने, महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। फिर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित नहीं थे। फिर कह रहा है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, इनमें से कोई नहीं, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी ठोस चालक में जो धारा प्रवाह करते हैं, धारा प्रवाह के जो वाहक होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 19 एवं 30 से, अनुच्छेद 21 ए से। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है और ये आपका अनुच्छेद 21 ए से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हमने पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है, यही क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में पूछा गया था, आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।